इंटीग्रेशन टॉपिक के अंदर हम लोग बात करते हैं उनके फॉर्मूला की, कैसे फॉर्मूले को यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या फॉर्मूले होते हैं जो इंटीग्रेशन में यूजफुल होते हैं। तो आज हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कॉसेक इंटू कॉटेक्स का फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे कैसे इसके सवाल बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं कैसे करना है। इंटीग्रेशन है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें सवाल लगाने हैं कि ये फॉर्मूला किस किस तरह से पूछा जा सकता है, कैसे पहचानोगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल थोड़े से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने कॉसेक ए एक्स इंटू कॉट ए एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है हम लोग को, कि जो इंटीग्रेशन होता है वो पूरा का पूरा फॉर्मूले बेस पे चलता है, थोड़ा बहुत जो अलग है, नहीं तो बाकी पूरा पूरा फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो ये आगे बढ़ता ही नहीं, यानी कि इंटीग्रेशन एक लाइन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कॉसेक एक्स है, यहाँ पर कॉसेक की जगह ए एक्स लिखा है, एक्स की जगह यहाँ कॉट एक्स है, यहाँ पर ए एक्स दे दिया गया, यानी फॉर्मूला देखने में तो एक जैसा लग रहा है बट पूरा सेम नहीं है। तुम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ये नहीं कि हमने सोचा कि कॉसेक एक्स है तो हम उठा के माइनस कॉसेक ए एक्स का फॉर्मूला बनाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, पूरा आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे स्टेप क्या करना होता है, यहाँ हमें लेट करना होता है। ये नहीं कि आप गलती आप क्या करोगे, डायरेक्ट सोचोगे हाँ फॉर्मूला देख रहा है और हमने इसका आंसर क्या लिख दिया कॉसेक ए एक्स, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको अप्लाई नहीं करना है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको लेट करना होता है। लेट कहाँ करने वाले हम लोग, ए एक्स को। तो लेट किया हमने ए एक्स को, क्या मान लिया, टी मान लिया। ए एक्स की जो वैल्यू है सेम से उसको टी माना और इस पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स डी वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है, ए को बाहर करेंगे, फिर डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, फिर एक्स रखेंगे, फिर डी टी अपॉन डी एक्स रखेंगे। अब एक्स का अवकलन कितना होता है, वन, तो यहाँ वन हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स का मान कितना आएगा, वन अपॉन ए डी टी आ जाएगा। तो हमें डी एक्स का मान इतना मिल गया कि वन अपॉन ए डी टी होता है। अब इस मान को उठा के हम यहाँ रखेंगे इस कंडीशन में तो क्या बनेगा, जहाँ ए एक्स है वहाँ हम क्या रखने वाले हैं, टी। तो ए एक्स क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो हम यहाँ रखेंगे टी, तो क्या आएगा कॉसेक टी बन जाएगा, यहाँ पे कॉट टी बन जाएगा। और जहाँ डी एक्स था हमने डी एक्स का मान कितना निकाला, वन अपॉन ए डी टी, तो जहाँ डी एक्स है वहाँ क्या रखने वाले हैं, वन अपॉन ए डी टी। लेकिन यहाँ पे वन अपॉन ए वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, तो उस वैल्यू को हम इंटीग्रेशन के बाहर रख देंगे। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, माइनस कॉसेक एक्स का, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक टी का। ये मैंने इंटू निशान लगाया है, ये मत से माइनस एक्स लगा हुआ है, इंटू है या फिर डॉट में लिख सकते हैं। इसे पूरा सही तरीके लिखें तो क्या बन जाएगा, माइनस वन अपॉन ए कॉसेक टी, और टी का मान क्या रखा था, ए एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये नहीं तो डायरेक्ट इसको अप्लाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इसके सवाल नहीं मिलेंगे कि बहुत सारा सवाल मिले, आपको बस सीधे से फॉर्मूला मिलेगा, अब डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे। कुछ और फॉर्मूले होंगे जो अलग टाइप के पूछे जा सकते हैं, कुछ टफ टाइप के होंगे जो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए, उसके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आपको मिलते रहे। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।